नमस्कार। आजकल वास्तु को महत्व देते हुए हमने एक श्रृंखला आरंभ की है। वास्तु शास्त्र का परिचय दिया था और छोटी छोटी बातों पर चर्चा की थी कि दिशाएं आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, दिशाओं में ही छिपा होता है आपकी सफलता का रहस्य और आपकी दिनचर्या के साथ साथ पंच महाभूत पानी अग्नि तथा वायव्य कोण, इस प्रकार सामंजस्य आप स्थापित करें अपने घर में, जिससे कि आपकी तरक्की हो, बीमारी ना रहे, आपके बच्चों की तरक्की हो, बच्चों का विवाह हो, बच्चों की नौकरी लगे, आपके घर में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न ना हो, शत्रु आपके ऊपर हावी ना हो। इस प्रकार की छोटी छोटी बातें वास्तु में अगर आप अपनाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वास्तु के परिचय के साथ साथ एक वीडियो हम ईशान कोण पर बना चुके हैं, वो कितना महत्वपूर्ण स्थान है। आज जिसकी हम चर्चा करेंगे उसका नाम है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण को साउथ वेस्ट भी कहा जाता है। वास्तु शास्त्र की भाषा में इसको यम की दिशा भी कही गई है। ये दशा यानी कि जो दिशा है, डायरेक्शन है, ईशान कोण के ठीक 180 डिग्री उस कॉर्नर पर होती है, दूसरे कॉर्नर पर, ईशान के ठीक सामने वाले कॉर्नर में। तो साउथ वेस्ट आपके घर का जो होगा उसके विषय में जानिए। वहाँ आप शौचालय का गड्ढा भी बना सकते हैं। वो स्थान ऊंचाई का स्थान होना चाहिए। वहाँ पर भारी वस्तुएं, लोहे के सिलेंडर या घर का कूड़ा करकट, गार्बेज, डस्टबिन रख सकते हैं और शौचालय भी बना सकते हैं। वहाँ पर कोई खिड़की ना बनाए तो अच्छा होगा। द्वार बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, मुख्य द्वार तो बिल्कुल भी नहीं होता। दुर्भाग्य से, सडनली, अनफॉर्चुनेट अगर किसी का उस तरफ द्वार है तो एक बहुत बड़ा सा स्वास्तिक बनाए या उस द्वार पर बहुत भारी गेट लगाए, ऊपर उसका जो द्वार है उसको इतना भारी करें और लाल रंग के पेंट से या चेरी कलर करके कर सकते हैं। ये एक आपके मन को समझाने की एक विधि बताई है मैंने। और तांबे का एक या अष्ट धातु की एक कील उस द्वार की जड़ में गाड़ सकते हैं। ऐसा करने से उसकी जो नकारात्मक प्रभाव है वो समाप्त हो जाएंगे, निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। और नैऋत्य कोण में जो मकान होते हैं वो बलि लेते हैं। किसी ना किसी व्यक्ति का दुर्घटना ग्रस्त होना, पैरालाइज होना, हार्ट अटैक होना, बीमार हो जाना, घर का जो लैंडलॉर्ड है वो हमेशा कष्ट में रहता है, परेशान रहता है, एंग्जाइटी, तनाव, टेंशन, नेगेटिव थॉट्स, पता नहीं क्या क्या, इसीलिए ये आफत और परेशानी वाली दिशा है। इसको शांत करना है तो आप इसको जितना हैवी रखेंगे, जितना भारी रखेंगे, जितनी ऊंचाई रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर और भी इसकी कोई रेमेडी देखना चाहते हैं तो एक फ्लैग किसी भी डंडे के अंदर, लोहे के अंदर, पोल के अंदर, ऊंचाई वाले क्षेत्र में लगा सकते हैं, कोई फ्लैग लगा सकते हैं धर्म के नाम का, या एक लाल रंग का बल्ब उस क्षेत्र में लगाएंगे तो उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में जो इफेक्ट कर रही है बच्चों के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, या आपका कोई बहुत लंबे समय से मुकदमा चल रहा है या कोई रोग आया तो बहुत गंभीर रोग है और लंबे समय तक चलने वाला है तो उस पर ब्रेक लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोगों को इस बात को बहुत गंभीरता से लेना है। इसके अलावा उस क्षेत्र में गाय, भैंस और पशु ये नहीं बांधने चाहिए। कोई आपने अगर कोई मशीनरी लगाई है और वहाँ आप बिजनेस करना चाहते हैं तो जो वो जो कॉर्नर है उसमें वो मशीन रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी और जंग लग जाएगा, उसको
वो काम नहीं करेंगी। इसीलिए उद्योग क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया, जब आप कोई उद्योग लगाते हैं, चक्की लगाते हैं या मशीन लगाते हैं, कोई प्रोडक्ट करती है, या आपका हॉस्पिटल है, पुस्तकालय है, विद्यालय है, तो कहाँ प्रिंसिपल का स्थान हो, कहाँ मालिक का स्थान हो फैक्ट्री के अंदर। मैं आपको एग्जांपल दिलाना चाहूँगा, नोएडा के अंदर और गुड़गांव में, देश के अंदर कई प्रकार की ऐसी घटनाएं अखबारों में, टीवी में समाचार आए कि फैक्ट्री का जो मालिक था, हड़ताल करके मजदूरों ने या उसके कर्मचारियों ने मालिक की हत्या कर दी। नोएडा में ऐसा केस हुआ, गूगल पे आप ये न्यूज़ देख सकते हैं। तो अगर वास्तु के अनुसार मालिक या उस मैनेजर उस फैक्ट्री का या उस क्षेत्र का, विद्यालय का, कई बार आपने देखा होगा कि प्रिंसिपल के पेट में छात्र ने चाकू मार दिया, कई बार आप देखते होंगे कोई ऑनर है किसी कंपनी का या फैक्ट्री का, उसके मजदूर से उसका झगड़ा हो गया, वो मर गया। तो नैऋत्य कोण में स्वामी को रहना चाहिए। घर के अंदर भी ये वास्तु बताता है कि नैऋत्य कोण में लैंडलॉर्ड या मास्टर बेडरूम, यानी कि उसको जो स्वामी है, उसको अपना बेड वहाँ स्थापित करना चाहिए, वहाँ शयन करना चाहिए। एक नई चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, उस क्षेत्र में अगर आपने कोई ड्राइंग रूम बनाया, वह आपके यहाँ मेहमान आते हैं, तो उस क्षेत्र में मेहमान को नहीं बैठाना है, न ठहराना है, नहीं तो मेहमान आएगा वहीं ठहर जाएगा, बीमार होगा या कई दिन तक वहीं रहने की चेष्टा करेगा। आपके घर में उसकी जो कूटनीति है वो आपके लिए नुकसानदायक होगी, आपके बच्चों को साइड इफेक्ट होगा इस बात का। इसीलिए नैऋत्य कोण में कभी भी ड्राइंग रूम में मेहमान को नहीं बिठाना चाहिए, उनका स्थान अलग है, उसके लिए वीडियो अलग बनाया जाएगा। वायव्य कोण साउथ ना हो करके नॉर्थ वेस्ट की तरफ, वायव्य कोण में, यानी कि मेहमान आया, बैठा, बातचीत की, और वो खुद ही कहेगा मैं चलता हूँ, मेरे पास समय नहीं है, बिजी हूँ। ठीक इसी प्रकार नॉर्थ वेस्ट का जो वीडियो है वो अगली बार आएगा, वहाँ क्या क्या कर सकते हैं, आपकी बच्चों की तरक्की कैसे होगी, अगली वीडियो की मैं ये आपको दे रहा हूँ नोटिफिकेशन कि क्या हम करने वाले हैं, बच्चे तरक्की कैसे करें, आपकी बहू, परिवार में जो नई नवेली बहू आती है उसकी तरक्की कैसे हो, उसके बच्चे कैसे हों, सास बहू का झगड़ा ना हो और कोई बीमारी, गंभीर रोग ना हो, उस पर अगला वीडियो आएगा। तब तक आप इस वीडियो से काम चलाएं, यानी कि इस वीडियो का लाभ उठाएं, इसके अनुरूप अपने घर की साज सज्जा, सजावट तथा इसके अंदर जो नियम तरीके अपनाए गए हैं उनका इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके घर में सुख शांति, तरक्की और वृद्धि होगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।